चारों आगम में कहा गया है, वयो अच्चे जुब्बनम च। आदमी के जीवन में यौवन, युवा अवस्था महत्वपूर्ण अवस्था होती है। बचपन बीत गया, बुढ़ापा आया नहीं है, और बीच का जो जीवन काल है जवानी का, यह अवस्था जिसमें बहुत कार्य किया जा सकता है, जिसमें आदमी गृहस्थ जीवन में अर्थार्जन कर सकता है, समाज में काम कर सकता है, कोई राजनीति में काम कर सकता है, और कहीं काम कर सकता है। क्योंकि जब शरीर सक्षम है, पढ़ाई लिखाई हो गई है, अब तो मैदान में दौड़ना है, आकाश में उड़ना है। जवानी की अवस्था बहुत कार्यकारी भी हो सकती है, और जवानी की अवस्था में रास्ता गलत ले लिया जाए तो यह अवस्था पतन के गर्त में ले जाने वाली भी सिद्ध हो सकती है। संस्कृत का एक श्लोक है, यौवनम धन संपत्ति ही प्रभुत्व में विवेकिता एकैक मप्यनर्थाय किम यत्र चतुष्टयम्। कि अनर्थ करने वाली कई चीजें हो सकती हैं, यौवन है वह अनर्थकारी भी हो सकता है। आदमी अपराध में चला जाता है, हिंसा में चला जाता है, दुर्व्यसनों में डूब जाता है, कुसंगति में पड़ जाता है, तो यह जवानी अनर्थ करने वाली भी बन सकती है। धन संपत्ति दूसरी चीज है अनर्थ करने वाली, धन संपत्ति। धन संपत्ति यों सार्थक भी हो सकती है, धन के द्वारा आदमी सेवा कार्यों में, अच्छे कार्यों में भी सहयोग देने वाला बन सकता है। पास में खूब पैसा है, कोई गरीबों के लिए देता है, कोई अनाथों के लिए देता है, और कई जरूरतमंदों को चिकित्सा के लिए अपना अर्थ दे देता है, शिक्षा प्राप्ति में सहयोग करने के लिए पैसा दे देता है, तो धन संपत्ति सामाजिक लौकिक कार्यों में उत्थान कारक भी बन सकती है। पैसे का जो त्याग करता है वो लौकिक सेवा में भी अपना योगदान दे सकता है। दूसरा इसका पक्ष है कि धन संपत्ति है, अच्छे कार्यों में नहीं लगाता है, दुर्व्यसनों में, हिंसा में, और में, इनमें पैसा लगा देता है, विलासिता में पैसा लगाता है, तो वह पैसा निरर्थक और अनर्थक भी बन सकता है। एक चीज के दोनों पक्ष हो सकते हैं, शुक्ल पक्ष भी हो सकता है, कृष्ण पक्ष भी हो सकता है, उजला पक्ष भी हो सकता है,
अंधेर पक्ष भी हो सकता है। एक महीने में कृष्ण पक्ष भी आता है तो शुक्ल पक्ष भी आता है। इसी प्रकार एक एक वस्तु का दुरुपयोग भी हो सकता है। दुरुपयोग यानी अंधेर पक्ष है, और उसका सदुपयोग भी हो सकता है, वह उसका उजला पक्ष है। तो धन संपत्ति का हिंसा, अपराध, दुर्व्यसन, विलासिता, इनमें उपयोग किया जाए तो पैसे का दुरुपयोग हो सकता है, और पैसे को गरीबों में, असहायों में कोई लगाता है, सामाजिक कार्यों में लगाता है, कोई हॉस्पिटल बनाने में, कोई स्कूल बनाने में, कॉलेज बनाने में, और कोई गरीबों को छोटे छोटे क्वार्टर आदि देने में, और सामाजिक धार्मिक गतिविधियों में पैसा लगाता है, तो वह लौकिक सामाजिक संदर्भों में एक पैसे का सदुपयोग माना जा सकता है। तीसरी बात है प्रभुत्वम। किसी को प्रभुत्व मिल जाए, सत्ता मिल जाए। प्राचीन काल में राजा भारत में होते थे, तो राजा आदि के रूप में सत्ता मिल जाए। वर्तमान में लोकतांत्रिक प्रणाली में सरकार होती है, सरकार के रूप में कोई मंत्री बन जाए, अच्छे पद पर चला जाए, तो सत्ता हाथ में आ जाए। सत्ता का भी दुरुपयोग भी हो सकता है और सत्ता का सदुपयोग भी हो सकता है। किसी को सत्ता मिली है, चाहे राजनीति में उनकी पार्टी की या उनकी सरकार है, तो सत्ता हाथ में आई है, तो आदमी यह सोचे कि सत्ता सेवा करने के लिए मिली है। सुख सुविधा भोगना इसका मूल लक्ष्य नहीं है, सेवा करने के लिए मुझे सत्ता सौंपी गई है, मिली है, तो मैं सेवा कितनी कर सकता हूं इस पर ध्यान दो। तो सत्ता में आकर जो जनता की सेवा करता है, शुद्ध नीति से सेवा करता है, ईमानदारी रखता है, सत्ता का लौकिक संदर्भ में सदुपयोग माना जा सकता है, और सत्ता में आकर अपने संबंधितों की सेवा न करे, उल्टा लोभ में आकर पैसा बटोरने का प्रयास करे, ईमानदारी पूर्ण व्यवहार न करे, और सत्ता से किसी को तकलीफ में डाल दे, फंसा दे कि पुराना बदला लेना है, अब हमारी सत्ता है, इनको जेल में डलवाएंगे, इनके साथ ऐसा करेंगे, दुर्भावना से ऐसा कोई करे, तो सत्ता का दुरुपयोग माना जा सकता है। तो सत्ता के दोनों पक्ष हैं, सदुपयोग और दुरुपयोग। तो यौवन, धन संपत्ति और प्रभुत्व। चौथी बात है अविवेक, अविवेकिता। अविवेक है यह तो अनर्थकारी हो ही सकता है, हो सकता है। मूलतः यौवन के साथ विवेक जुड़ जाए, सत्ता के साथ विवेक जुड़ जाए, धन संपत्ति के साथ विवेक जुड़ जाए, तो ये सार्थक हो सकते हैं। और अविवेक रहे तो यौवन, धन संपत्ति और प्रभुत्व अनर्थकारी भी हो सकते हैं। आयारों में कहा गया है यहां
वयो अच्चे जोब्बनम च, कि अवस्था बीत रही है और जवानी भी जा रही है, जवानी बुढ़ापे की ओर जा रही है, अवस्था भी बुढ़ापे की ओर या मृत्यु की ओर जा रही है। तो आदमी यह चिंतन करे, जो जवान आदमी हैं, जवानी में हैं, यौवन में हैं, वे यह सोचें कि जवानी धीरे धीरे बीत रही है, जा रही है, अवस्था जा रही है, मैं बुढ़ापे के निकट हो रहा हूँ, क्षण 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 बीत रहे हैं, मैं वार्धक्य और अवसान की ओर आगे बढ़ रहा हूँ, तो मैं जवानी का धार्मिक आध्यात्मिक उपयोग करता हूँ या नहीं। जवानी में जो हो सकता है, बुढ़ापे में इतना न भी हो, तो मेरी जवानी यूं ही न चली जाए। जवान आदमी है यानी 30, 35, 40, 45 जवानी की उम्र है, परिवार के लिए आदमी करता है, कमाई करता है, परिवार का भरण पोषण करता है, साथ में धार्मिकता आध्यात्मिकता, जैसे मैं बिजनेस करूं, धंधा करूं, लेन देन करूं, ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखने का प्रयास रखूं, धोखाधड़ी में न जाऊं, झूठ बोलूं तो पैसा ज़्यादा आ सकता है, झूठ बोलकर ज़्यादा पैसा मुझे क्यों कमाना चाहिए। तो जवानी में यह ईमानदारी का भाव हो, और पैसा थोड़ा मान लो कम आएगा तो कोई बात नहीं, ईमानदारी मेरी ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहे, धार्मिक साधना की दृष्टि से कि ठीक है और काम धंधे हैं, कभी कभी सामायिक भी कर लूँ, सप्ताह में एक ही सामायिक कर लूँ, हमारे 13 पंथी परिवारों के लोग भी शनिवार को सामायिक कर लूँ, शाम को परिवार के लोग मिलकर के सामायिक कर लें, सभा भवनों में करें, घर में कर लें, ऑफिस में ही कर लें, भले कि टाइम हो रहा है ऑफिस में ही सामायिक कर लें, और कभी कि आज ट्रेन से जाना है तो स्टेशन पर चले गए, ट्रेन तो 8:15 की है तो स्टेशन पर ही सामायिक कर लें, कोई बात नहीं, एयरपोर्ट पर ही स्थान हो तो वहाँ सामायिक कर लें, कि शनिवार है आज शाम को 7 से 8 के बीच सामायिक का प्रयास कर लें। तो जवानी में भी ज़्यादा सामायिक मान लो नहीं कर सकें तो सप्ताह में एक यथासंभवतया करने का प्रयास करें, नवकार मंत्र यथासंभवतया रोज ही जपें, और अपना त्याग प्रत्याख्यान, नशा नहीं करना, नॉन वेज कहीं नहीं मुंह में आ जाए, तो यूँ कुछ अंशों में यह धार्मिकता भी जवानी में बनी रहे, यानी जवानी पर धर्म का अंकुश बना रहे, जवानी निरंकुश न हो जाए कि आदमी कुछ भी करने लग जाए। तो आयारों में मानो संबोध दिया गया है कि वयो अच्चे जोब्बनम च, अवस्था और जवानी बीत रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, तो जवानी बीत गई, अब वापिस तो वह आने वाली नहीं है, उम्र के हिसाब से जवानी चली गई, 70 पार हो गए हैं, अब जवानी तो वापिस आएगी नहीं, अब तो बुढ़ापे का समय है, इसलिए जवानी है तभी उसका बढ़िया उपयोग करने का हम प्रयास करें,
और अवस्था धीरे धीरे आगे बढ़ती है। अवस्था के साथ साथ अपेक्षानुसार जीवन में मोड़ भी लेना चाहिए। 30-40 वर्ष की उम्र में जो जीवन था, अब 60-70-75 हैं, तो थोड़ा मोड़ भी लिया जा सकता है। 50 पार हैं, अब तो सामायिक एवरेज में रोज एक हो जाए, ऐसा यथासंभव जितना हो सके प्रयास करें कि 50 पार है, जीवन का शताब्दी का उत्तरार्ध आ गया है, तो विशेष थोड़ा धर्म की दृष्टि से भी आगे बढ़ें। खान पान का भी ध्यान रखें, जितना थोड़ा और संयम रखें। 50 पार हैं, अब मिठाई तड़वा ज़्यादा तो नहीं खाते हैं ना, थोड़ा खाने का भी जीभ का भी संयम करें। जमीकंद है, शकरकंद, गाजर, लहसुन, प्याज, ऐसी चीज़ें इनका जितना परित्याग कर सकें, तो उम्र के साथ साथ कहीं परिवर्तन अपेक्षानुसार औचित्यानुसार जीवन में लाना चाहिए। समय के साथ चलें, समय के साथ चलें। जीवन में जो उम्र है उसके हिसाब विवेक से चलने का प्रयास करें। एक वाक्य, युग के साथ चलो, युग के साथ चलो, इसके दोनों पक्ष हो जाएंगे। युग के साथ कैसे चलें कि जमाने के साथ चलो, तो जमाने में कोई बुरी बातें तो उनके साथ कैसे चलें हम, तो जमाने के साथ चलो। और अच्छा सिद्धांतवादी आदमी यह सोचे, जमाने को मैं अपने साथ चलाऊं, मैं जमाने के साथ हर बात में नहीं चलूं, मैं जमाने को मेरे साथ चलाने का प्रयास करूं कि मेरे अच्छे सिद्धांत हैं, अच्छी बातें हैं, तो मैं प्रयास करूं लोग भी इस तरह चलें, जमाना भी इस तरह चले। तो जमाने की हर बात को स्वीकार करना संभवतः जरूरी नहीं है। जमाना हमारे साथ भी चले, हम अच्छे रास्ते पर चलें, अच्छे सिद्धांतों पर चलें, ऐसा हमारा मनोभाव चिंतन होना चाहिए। आयारों में जो कहा गया है, वयो अच्चेई जुब्बनम च, कि अवस्था और जवानी ये बीत रहे हैं, आगे जा रहे हैं, तो जवानों के लिए मानो संदेश है कि जागरूक रहो, अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करो, गलत आदतों में मत जाओ, अच्छे संस्कारों में रहो, धार्मिक आध्यात्मिक सेवा कर सको वो सेवा करो। तो गया हुआ समय लौटता नहीं है। बुढ़िया जा रही थी, यों झुकी हुई चल रही थी, कमर यों झुका करके झुकी हुई थी, एक 10-12 वर्ष का बच्चा मिल गया रास्ते में कि दादी माँ, दादी माँ, क्या चीज गुम हो गई, ऐसे झुक करके क्या खोज रही हो, थोड़ा विनोद में बोला। तो बुढ़िया भी थोड़ी प्रबुद्ध महिला थी, बोली, बेटा एक चीज मेरी गुम हो गई, उसको खोज रही हूँ, यों झुकी हुई मैं एक चीज खोज रही हूँ, मेरी चीज गुम हो गई। क्या चीज गुम हो गई, गतम में यौवन मौक्तिकम, मेरा जवानी का मोती गुम हो गया, उस जवानी के मोती को मैं खोज रही हूँ। तो जवानी वृद्ध आदमी की तो जा चुकी होती है, उसके जाने के बाद तो क्या अनुताप करें, बुढ़ापा आ गया तो बुढ़ापे को अच्छा जीने का प्रयास रखें, और जवानी जब तक है तब तक जवानी का हम आदमी अच्छा उपयोग करने का
प्रयास करे तो ये आयारो का जो सूत्र है वयो अच्चे जोब्बनम चय कि उम्र और जवानी बीत रहे हैं, हम जागरूक रहें और समय का बढ़िया उपयोग करें।